हेलो एवरीवन, आज के हम इस लेक्चर में कैलकुलस के टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि इसका यदि हमारी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है तो डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क के कुछ सूत्र y बराबर एफ एक्स तो डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यदि x बराबर एफ वाई है तो डी एस अपॉन डी वाई इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन द पैरामेट्रिक फॉर्म देन डी एस अपॉन डी टी अंडर रूट डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। यदि हम एक समकोण त्रिभुज में एक अपना कोण साई एंगल लें तो डी वाई या डी एक्स और ये डी एक्स तो साइन साइन बराबर होता है डी वाई अपॉन डी एक्स cos psi equal to dx upon ds, then sin square psi plus cos square psi equal to 1 होता है, तो इनकी हम वैल्यू रखेंगे तो dy upon dx का whole square plus dx upon ds का whole square equal to 1। अब यदि हमारा इक्वेशन पोलर फॉर्म में अर्थात r बराबर f थीटा है तो ds upon d थीटा equal to होता है अंडर रूट r square plus dr upon d थीटा का whole square। अब यदि थीटा बराबर fr है तो ds upon dr equal to अंडर रूट 1 plus r square d थीटा upon dr का whole square। अब एग्जांपल पढ़ेंगे कि इफ वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स देन डी एस अपॉन डी एस। हम इस एग्जांपल को करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स एक कार्टेशियन फॉर्म में है तो डी एस अपॉन डी एक्स होगा अंडर रूट वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो वाई स्क्वायर का टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फोर ए, एक्स का वन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू ए अपॉन y। This implies dy upon dx बराबर 2a upon y। y की वैल्यू इससे रख देंगे हम 2 root ax तो equal to आ जाएगा under root ax under root a upon x। तो ds upon dx equal to under root a 1 plus a upon x तो a plus x upon x under root में। अब अगला example करेंगे r बराबर a 1 plus cos theta then ts upon d theta equal to here r बराबर f theta तो ds upon d theta होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो आर बराबर ये दे दी क्वेश्चन में है तो डी आर अपॉन डी थीटा इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे वन का जीरो और सकोस का माइनस साइन तो एक माइनस ए साइन थीटा। तो डी एस अपॉन डी थीटा हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर आर की जगह ए वन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए को बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस टू कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर खोल दिया 1 प्लस टू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 तो 1 प्लस टू कोस थीटा प्लस 1 1 1 2 हो जाएंगे 2 कॉमन ले लिया 2 एंड कोष्टक ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू ए 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 तो इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 2 4 तो बाहर आ लेंगे तो 2 अंडर रूट हट जाएगा 2a cos थीटा y 2। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे कि फाइंड ds अपॉन dt ds अपॉन dt x sin t plus y cos t equal to f dash t x cos t minus y sin t equal to f double dash t। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दे दिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां वेरिएबल t है और x y दो यहां x और y की दोनों की वैल्यू हम अलग-अलग निकालेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड फॉर x एंड y। तो फर्स्ट इक्वेशन को sin t से गुणा किया प्लस 2 को cos t से यानी 2 को cos t और फर्स्ट को sin t से गुणा करके जोड़ दिया तो x sin square t plus cos square t plus y cos t sin t minus y sin t cos t equal to f dash t sin t plus f double dash cos t। अब आ जाएगा हमारा आ जाएगा x बराबर f dash t sin t plus f double dash t cos t। इससे ये कट जाएगा sin square t plus cos square t की वैल्यू 1। तो सिमिलरली y बराबर f dash t cos t minus f double dash t sin t। इसको फाइंड करने के लिए एक को cos t से गुणा किया दो को minus sin t से गुणा किया और एक में से दो को सब्ट्रैक्ट कर दिया यानी माइनस करने पर। नाउ डिप्रिशिएटिंग 3 एंड 4 विद रेस्पेक्ट टू t। अब तो dx अपॉन d निकालेंगे। अब x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f dash का f double dash t sin t plus f dash t sin का cos minus f डबल डैश t cos का माइनस साइन इसलिए माइनस चिन्ह आ गया प्लस f डबल डैश का f ट्रिपल डैश t प्लस cos t। तो ये आ जाएगा हमारा इससे ये कट जाएगा तो f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t cos t। सिमिलरली dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t ब्रैकेट
साइन टी। अब डीएस अपॉन डी टी निकालेंगे क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में आ रहे हैं, हमारा एक्स और वाई के मान टी वे। डीएस अपॉन डी टी इक्वल टू होगा डीएक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। इक्वेशन सेवंथ दे दिया। फिफ्थ और सिक्स का अपन सेवंथ में यूज करेंगे तो डीएस अपॉन डी टी प्लस एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। अब ये दोनों में कॉमन है एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी, इसको कॉमन कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी की वैल्यू वन आ जाएगी और इसमें अंडर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में डीएस अपॉन डी टी इक्वल टू एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी, ये हमारा अब हल होगा।